हेलो एवरीवन आज का टॉपिक है जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 के रिगार्डिंग जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही होंगे कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी से करंट अफेयर के रिगार्डिंग इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे तो ऑनली सेलेक्टेड क्वेश्चन आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले हम जान लेते हैं जी क्या है देखिए जी समूह या इसे ग्रुप ऑफ ट्वेंटी भी कहा जाता है दुनिया की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरजातीय समूह है, है। यानी कि दुनिया की जो बीस शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं उनका ये क्या है समूह है जो कि संबंधित देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर से मिलकर बना है जी ट्वेंटी बीस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो दुनिया के आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है तो देखिये जी ट्वेंटी के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन पूछा गया है जी ट्वेंटी की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ इसके रिगार्डिंग शेयर कर रही हूं देखिए 26 सितंबर उन्नीस को जी ट्वेंटी की स्थापना की गई एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वित्त मंत्रियों और जो केंद्र बैंक के गवर्नर थे उन्होंने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच की स्थापना की जिसे जी ट्वेंटी नाम दिया गया सेकंड क्वेश्चन है जी ट्वेंटी का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहा आयोजित हुआ देखिए पहला शिखर सम्मेलन आपसे पूछा गया है तो ये हुआ था चार से पंद्रह नवंबर 2008 में अमेरिका में ठीक तो है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड है वर्ष 2023 में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है देखिए इसकी अध्यक्षता वर्तमान में कर रहा है भारत ठीक है तो 2023 में कौन कर रहा है भारत कर रहा है और इससे पहले यानी कि 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी और 2024 में करेगा ब्राजील क्वेश्चन नंबर फोर है भारत में आयोजित जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है देखिए थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लें देखिए 2023 की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ठीक है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इसका लोगो मेंशन किया गया है ठीक है यहाँ पर आपको इसकी थीम दी गई है वसुदैव कुटुम्बकम यानी कि एक पृथ्वी एक कुटुम्ब एक भविष्य ठीक है तो दोनों लैंग्वेज में मैंसन किया गया है आप लोग यहाँ पर इसे समझ सकते हैं इसी बात देखिए हम बात करते हैं जी ट्वेंटी के लोगो की देखिए इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लोगो है ठीक है जो राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को दर्शाता है केसरिया सफेद हरे और नीले रंग से ये प्रेरित है और साथ में राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमल का फूल बना हुआ है जिसके ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है देखिए इसका अर्थ है कि चुनौतियों के बीच भी ये विकास को दर्शाता है ठीक है इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि चुनौतियों के बीच विकास को ये दर्शाता है पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है इसके अलावा देखिए जी ट्वेंटी लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे यहाँ पे भारत लिखा गया है देवनागरी लिपि में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष दो में जी शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है देखिए कौन सा संस्करण है ये जी का पूछा जा रहा है तो ये है वर्तमान में अठारवा संस्करण ठीक है भारत में इसके 18वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और इससे पहले इंडोनेशिया में किया गया था सत्रहवें संस्करण का आयोजन और अगले वर्ष यानी कि दो चौबीस में ब्राजील में इसके उन्नीसवें संस्करण का आयोजन किया जाएगा अगला क्वेश्चन है देखिए जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देश शामिल हुए हैं देखिए अतिथि देश से मतलब है गेस्ट कंट्रीज ट्वेंटी कंट्रीज तो इसके अंडर में रहेंगे ही जो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी इसके अलावा देखिए भारत द्वारा गेस्ट कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है जिनमें से बांग्लादेश मिस्र मॉरिशस नीदरलैंड नाइजीरिया ओमान सिंगापुर स्पेन संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया गया है यानी कि टोटल नौ कंट्री हैं जिनको गेस्ट कंट्रीज के रूप में आमंत्रित किया गया है क्वेश्चन नंबर सेवन है देखिए भारत जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा देखिए इसकी अध्यक्षता शुरू हुई थी एक दिसंबर 2022 से जो 30 नवंबर 2023 तक रहेगी ठीक है तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डेटा दिया गया है वो थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है तो आपको याद रखना है कि एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा क्वेश्चन नंबर नाइन है जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष कौन है तो राइट right आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी और अगर हम बात करें 2022 की जब इंडोनेशिया के बाली में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो उस वक्त अध्यक्ष थे जोको विदो ठीक है जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेन है जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 में भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है देखिए भारत का शेरपा आपसे कहा जा रहा है पहले आपको पता होना चाहिए कि ये शेरपा होता क्या है देखिए जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मिट होते हैं यानी कि सम्मेलन होते हैं कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उन सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय चर्चा के लिए जो पीएम है उनको एक शेरपा की नियुक्ति करनी होती है जो उनकी बात को उस कॉन्फ्रेंस तक रख सके ठीक है तो ये नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को जो कि नीति आयोग के एक्स सीईओ भी रहे हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है जी ट्वेंटी सम्मेलन में कितने देश शामिल हैं तो इसमें शामिल है उन्नीस देश और एक यूरोपियन यूनियन ठीक है जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है जी ट्वेंटी में उन्नीस देश हैं अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चीन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान कोरिया मेक्सिको, रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका तुर्की यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका और एक यूरोपियन संघ शामिल है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ट्वेंटी सदस्य देशों को कितने समूहों में बांटा गया है देखिए समूह से क्या मतलब है सबसे पहले हम ये समझते हैं देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है ठीक है तो टोटल 20 हो गए अब इस समूह को भी अलग अलग पांच ग्रुपों में बांटा गया है जैसा कि आपको यहाँ पर मेंशन किया भी गया है ठीक है जिसमें अलग अलग ग्रुप बने हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट एक साथ होंगे इंडिया रसिया साउथ अफ्रीका तुर्की एक साथ होंगे ठीक है तो इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए गए हैं तो आपसे यही पूछा गया है कि इसको कितने समूहों में बांटा गया है तो ये बांटा गया है पाँच समूहों में क्वेश्चन नंबर थर्टीन है जी ट्वेंटी सदस्यों के किस समूह में भारत को शामिल किया गया है तो समूह दो यानी कि ग्रुप टू में शामिल किया गया है अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप सभी को और क्लियर कर दूँ अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए गए हैं देखिए इन ग्रुपों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्लियर करेंगे आपस में ये देश डिसाइड करेंगे कि अगले साल कौन जी ट्वेंटी सम्मेलन का आयोजन करेगा जैसा कि देखिए फ्रेंड्स अब ग्रुप थ्री की बारी आएगी जिसमें अर्जेंटीना ब्राजील मैक्सिको है तो ये कंट्रीज आपस में डिसाइड करती हैं कि इनमें से कौन सा देश जी ट्वेंटी सम्मेलन का आयोजन करेगा ठीक है तो इसी तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहती है तो ये पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है जी ट्वेंटी की शुरुआत किस रूप में हुई थी तो देखिए स्टार्टिंग में ये जी सेवन का एक ग्रुप था जी सेवन यानी कि सात ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं थी ये जिनका एक समूह बना था जिसमें कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान, यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ठीक है तो सात कंट्रीयां थी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाली थी उसके बाद इसमें रसिया को शामिल किया गया बाद में इसे हटाया भी गया था लेकिन फिर से जब इसमें शामिल किया गया तो ये G8 बना और G8 बनने के बाद इसमें 12 और भी कंट्रियाँ शामिल हुई जिसमें अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील चाइना यूरोपियन यूनियन, इंडिया इंडोनेशिया मैक्सिको सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया और तुर्की शामिल हुए तो टोटल 20 देशों का यह समूह बना जिसे जी ट्वेंटी के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन है भारत जी ट्वेंटी का सदस्य कब बना देखिए किस वर्ष भारत जी ट्वेंटी का सदस्य बना पूछा जा रहा है तो राइट आंसर होगा उन्नीस में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है जी ट्वेंटी का फुल फॉर्म क्या है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था ग्रुप ऑफ ट्वेंटी के नाम से भी इसे जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जी ट्वेंटी का सदस्य नहीं है देखिए आपसे इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री शामिल नहीं है तो इसके लिए जरूरी है कि आपको जी ट्वेंटी में शामिल देशों के नाम याद होने चाहिए ठीक है इसके लिए राइट right आंसर है सिंगापुर आप लोग किस तरीके से इसे याद रख सकते हैं वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया हुआ था कि इसमें 20 देश शामिल हैं आपको याद किस तरीके से रखना है देखिए सिंपल सी ट्रिक है गुरुजी सीता अब एस एस सी एफ सी आई में जॉब करती है बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बाय हार्ट याद हो जाएगा देखिए गुरु जी से आपको याद रखना है, जी से आप याद रखेंगे जर्मनी यू एस ए रसिया यूनाइटेड किंगडम जी से जापान भारत उसके बाद है सीता तो सऊदी अरेबिया इंडोनेशिया तुर्की ऑस्ट्रेलिया ए से अर्जेंटीना बी से ब्राज़ील ठीक है और ऐसे साउथ अफ्रीका सेकेंड ऐसे हो जाएगा साउथ कोरिया कनेडा फिर है एफ सी आई यानी कि फ्रांस चाइना इटली मैं ठीक है मैं जॉब करती है तो मैं से बनेगा मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है आप लोग एक बार इसको समझ लें तो आसानी से आपको ये बीस के 20 कंट्री के नेम याद रहेंगे और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी क्वेश्चन नंबर एटीन है जी ट्वेंटी अध्यक्षता के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी कि टी डब्ल्यू जी की बैठक कहाँ हुई तो ये बैठक हुई थी गुजरात में ठीक है गुजरात के कच्छ में पहली बैठक का आयोजन किया गया था टी डब्ल्यू जी का इसके अलावा देखिए काफ़ी सारी बैठकें यानी कि मीटिंग्स इसके रिगार्डिंग हो चुकी हैं तो आप सभी को हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जी ट्वेंटी विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित की गई देखिए विदेश मंत्रियों की बैठक आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में ठीक है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स 30 नवंबर 2023 तक चलने वाले जी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत काफी सारी मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा आगामी माह में जो मीटिंग आयोजित की जाएंगी उनकी लिस्ट हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है आप लोग प्रतियोगी परीक्षा से पहले इनको एक बार ज़रूर नोट कर लें क्योंकि आपसे इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें देखिए मार्च की अगर हम बात करें मार्च तीस से एक अप्रैल तक ट्वेंटी फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल टेक प्लेस इन गांधीनगर गांधीनगर में इसकी मीटिंग होगी ठीक है इसके बाद अप्रैल फर्स्ट से लेके फोर्थ तक सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग होनी है जो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में होगी इसी तरीके से और भी अलग अलग प्लेसेस दिए गए हैं तो आप लोग इनको नोट कर लें ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिले तो फ्रेंड्स आई होप कि G20 ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 के रिगार्डिंग आज की ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप सभी को इस तरीके के ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़े हुए अपडेट मिलते रहें फ्रेंड्स आप सभी को इस पी का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो आप वहाँ से इसका कंप्लीट पी भी डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग